बच्चों, मैं विषय अध्यापिका संतरा खीचड़, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटराथल से, कक्षा 8, विषय हिंदी व्याकरण। आज का अपना प्रकरण है क्रिया। तो क्रिया अपन पढ़ेंगे। इससे पहले भी आप बहुत बार 6th 7th में क्रिया पढ़ चुके हों, और मैंने भी आपको क्रिया व्हाट्सएप नंबर पे भेजी है जो आपने लिखा होगा। क्रिया को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद आपने क्या समझा इसे पता चलेगा कि ये समझने के बाद आप 5-5 वाक्य, 5 सकर्मक क्रिया के और 5 अकर्मक क्रिया के वाक्य लिखेंगे। तो देखिए, क्रिया, क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करना। अपन कोई भी काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्रिया, लिख रहे हैं तो लिखना क्रिया, दौड़ रहे हैं तो दौड़ना क्रिया, खा रहे हैं तो खाना क्रिया। तो पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, चलना, फिरना, खाना, ये सब क्या है? क्रिया है। ये सब क्या है? क्रिया है। क्रिया की परिभाषा होती है शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी किसी भी शब्द से हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, उस शब्द से हमें पता चलता है कि ये क्या है। तो कोई भी काम हो रहा है तो वो क्या है? क्रिया है। पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, जैसे पढ़ना, तो इस शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है। लिखना, तो क्या पता चल रहा है? लिख रहा है। तो पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, चलना, ये सब क्या है? क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, और काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो अपन आज पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया। शब्द वाक्य में क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है तो उसे अपन सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात वाक्य में कर्म होना आवश्यक है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया क्या है? पढ़ना। क्रिया क्या है? पढ़ना। तो क्या पढ़ता है? पुस्तक। अर्थात इसका फल किस पे पड़ा? कर्म पर। तो इसे अपन क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। आपको इसकी पहचान करने के लिए क्या करना होगा कि इसमें कर्म है कि नहीं है। तो आप क्रिया से पहले क्या, किसे और किसको, इन तीन से आप प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। सीता फल खाती है, सीता क्या खाती है? फल। इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। ऐसे ही जैसे राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को। इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। फिर देखिए अकर्मक क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्म पर नहीं पड़ता और कर्ता पर पड़ता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। अर्थात उसमें कर्म नहीं होता। जैसे मोहन रोता है, तो क्या का जवाब नहीं मिलता, इसका मतलब क्रिया क्या है? अकर्मक। मोहन रोता है, मोहन क्या रोता है? कोई जवाब नहीं है। मोहन अपने आप में क्रिया कर रहा है, यानी मोहन रो रहा है। बालक हंसता है, तो हंसना क्या है? अपने आप में एक क्रिया है। क्या हंसता, इसका अपने पास कोई जवाब नहीं है। तो यह है क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो इसे आप ध्यान से समझें और 5 उदाहरण सकर्मक और 5 उदाहरण अकर्मक क्रिया के लिखेंगे। थैंक यू।